कहता हूँ सुबह हालत कैसी भी हो तुम्हारी माँ के पहले कदम चुनो, माँ की आवाज़ से ऊँची आवाज़ नहीं जानी चाहिए सबसे पहला ये है मेरा मामला। और अल्लाह का शुक्र है मेरा कोई मुरीद चाहे मैं बांग्लादेश में हूँ चाहे इंडिया में, इंडिया के बाहर सारे मुरीद मेरे बेहतर दादू दिखा रहे हैं सबकी इज्जत। पैर छोड़ने से पहले वो कुछ भी कहते थे माँ बाप से तौबा की, उन्होंने सब पैर भी चूमते हैं और अदब से माँ बाप को ले पहला फर्ज है माँ बाप खिदमत। और लोग कह रहे पहले गुसल करो फिर वजू बनाओ, मैंने पहले फर्ज भूल गए सब, पहला फर्ज नहीं सबसे सबसे पहला फर्ज है माँ बाप की खिदमत। किसी मौलवी पूछ लो भाई सबसे पहला फर्ज क्या कहाँ कहीं बताएंगे सब लोग। आज ये वजह जो आज शैतान मांग रहे हैं आपका तो होगा बचपन शायद बड़े बड़े हिंदू हमारे पैर चूमते थे जी, आपके बच्चे में होगा ऐसा मेरा आपके ज़्यादा फर्क नहीं होगा। आपकी उम्र कितनी है? हाँ ज़्यादा मेरी बेहतर 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 के हिसाब से माशाल्लाह सेहत बहुत अच्छी है। आप सही नमाज हम ने फायदा दिए हैं 45 और देखो ये हड्डी टूटी है 40 नोट आके आए हैं, ये हड्डी सब के लेके गाड़ी से मैं गाड़ी से आ गया। कौन सी गाड़ी से? मैं सब गाड़ी चलाता हूँ बम्बई में गाड़ी चला रहे बचाई किसी लेडीज बैठी थी उसके मुझे पहले पहिए में लगी गाड़ी, मैंने अपना ब्रेक मारा मेरी गाड़ी चला की मेरी गाड़ी से लगी नोट आ गया हड्डी तो देख करेगी। 5 साल पहले वो अच्छा था लेकिन चल गया वैसे अल्लाह ने एक दिन भी किसी को मौत नहीं रखा। डॉक्टर भी कहते कि यार ये कौन सा मरीज आया वहाँ ज़्यादा क्या भाई ये तुम्हारी नमाज पढ़ाते हुए आवाज ऐसी कैसी आवाज थी? अरे मैं तो मुझे मालूम है उनके बारे में, तो आप भी माशाल्लाह मुझे उनके बारे में मालूम है। आप भी माशाल्लाह जी आपकी दुआ है सेहत सही है आवाज में जो कोई कमी आवाज में अल्लाह गाथ का जिक्र होता है हमारी जिक्र होता है अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली अल्लाह। तो खान का हमारी जो है वो शहर में किनारे में खुला नवाज सुनती जिक्र होता क्या, जब मैं जंगल में था वो जिक्र था। अरे क्या मेरे बाल लंबे लंबे वहाँ तक जाते थे क्या जिक्र था अल्लाह। ये तो मौला अली की शान है, मौला अली के बगैर जिक्र के कोई वली नहीं बन सकता। और आज मौला अली छोड़ दे लोगों ने, मौला अली के बगैर नहीं है कह रहे हजरत अबू बकर उनके बराबर है। अरे मैं निकल जाए यहाँ तू मौला अली फिर कुछ कहते मुझसे कहते मौला अली की अफजल है बताइए सहाबियों में अफजल है वो लेकिन मौला अली साहबी नहीं है। नहीं मौला अली साहबी नहीं है, मौला अली नूर है पंडित पाक में है वो साहबी घर के है वो। आप किसी मौला जी साहबी समझिए बिल्कुल गड़बड़ मामला हो जाए। नूर है पाँच मेरा वीडियो है, मेरा वीडियो क्या है कि इन्होंने आप जानते हो गए सैयद सोहेल का नाम सुना होगा आपने, वो वहाँ के हैं बीकानेर के सैयद है वो। तो उन्होंने एक जगह बयान अपनी कि अली मौला मौला सबके मौला जिस जिसके नबी मौला उसके अली मौला। इस पर साहब पहले तो इलियास कादरी जी थे उनके आदमियों ने बड़ी बार में हंगामा मचा दिया बोले ये सिर्फ वापस लो वरना फतवा लगेगा ऐसा होगा सच्चाई है। हाँ अब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो बोले ऐसे बात में ठीक है आप। फिर मैंने वो पूरा रबी के वजूद का मौला जी के वजूद को पूरा वीडियो बनाया
और मैंने डाला और मैंने लिखा कि अब जिसने भी ये एतराज़ किया कि वो गलत है वो तौबा कर दो। मैंने वो तौबा कर पूरा बाबा हाँ फिर तो जरूर चुना फोन आए मैं नंबर दिया मेरी नंबर हमारा क्या है लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए अल्लाह ने चार लफ्ज़ अदा किए हजरत आपको माशाल्लाह बहुत बड़े हैं मैं तो मुझे तो अल्लाह आपकी कमी खाक बना दे लेकिन जहाँ तक मैंने देखा और मैंने जो गौर किया तो मौला अली का जो मामला है वो नूर से नूर से क्योंकि पांचों नूर ये पांचों अब पांचों जो है वजूद नूर के हैं अल्लाह के नूर से अल्लाह ने अपने नूर से तख्लीक की नबी की और नबी के नूर से तख्लीक हुए ये पांचों नबी का कभी नबी ने कहा भी कि मैं मुझसे अली अली मैं मुझसे फातिमा फातिमा से मैं मुझसे हसन हसन से मैं मुझसे हुसैन हुसैन से मैं अली मेरा गोश्त अली का गोश्त है ना उनका खून मेरा खून अब बता आदत हो सकता है क्या अब तुम उस प्रकार गाड़ी वैसे कैसे हो जाएगा कितनी गलत बात उनके ईमान रहेगा फिर अल्लाह ने एक बार एक चीज और कहा मेरी सलाह कर देने के गलत अल्लाह ने एक और कहा अव्वल भी हूँ आखिर भी हूँ जाहिर और बातिन हूँ जाहिर और बातिन हूँ ये अल्लाह का इशारा है अगर हमने जाहिर न माना अल्लाह को तो आप बताइए हम बचेंगे क्या अल्लाह झूठे साबित हो अल्लाह ने अगर कहा कि मैं जाहिर हूँ तो है अब पहचानो अब ढूंढो कहाँ है कहाँ जा रही ढूंढो इसीलिए जंगल चल जाते पड़ जाती है ढूंढते ढूंढते जब अल्लाह कहा कि मैं जाहिर हूँ तो है अगर उससे कहें नहीं साहब जाहिर नहीं है तो आपने अल्लाह को झूठा बना दिया अब इसे समझना मुश्किल है इसीलिए हमें सारा कुछ नबी पर है सब कुछ नबी और अली पर नबी ने बुलंद आवाज से कहा या अली मैं इमाम और तुम इमाम औलिया अब मुझे बताओ अली के बगैर बन सकता है कि बोली मुमिन बन सकता है अली के बगैर माँ फातिमा के खत नूर है कभी कोई कह सकता है उनकी तरफ से कोई एक राय दिदार के बारे में बता दो ये खता हो सकती है नमक हराम का क्या है वो खता करते हैं पाकिस्तान वाले ने क्या था जलाली जलाली हाँ तो अब बताइए कितने हंगामा थे इसमें मेरा वीडियो आए बताइए कि जिस वक्त वो आई हजरत सिद्दीक के पास अदालत में तो अदालत में कितनी गलत बात है बड़े हंगामे हुए जबकि अल्लाह ने उनके लिए आयत नाजिल की अच्छा एक चीज़ और सुनो नबी ने अल्लाह ने जब नबी को हुक्म दिया कि अब इनको जमा करो सबको और जमा किया तो कहा उनसे कहो मैंने कुछ मांगा क्या पूरी ज़िंदगी में उन्होंने नहीं मांगा पूरी तीन बार कह के फिर अब मांगता हूँ क्या मेरी आल की मोहब्बत दो नबी ने कहा ना कहा मैं तो मालूम है सब ये इस तरह मांगा ना कि अब मुझे मांगता हूँ मेरी आल की मोहब्बत दलील क्या है कुरान से साबित नहीं है और आप देखिए वो 40 चिल्ला कर करके घट्टे पर जाते दूरी में सोचे कैसे कह दिया आपने वो तो हैरान किया उन्होंने उनपे नहीं की मेरे अहले बैत की मोहब्बत वही लोग कहते हैं जिसको पता नहीं 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 सबका सबको पता है कलाम पाके अच्छा दूसरा फिर उन्होंने क्या कहा मैं छोड़ के जाता हूँ कुरान को और अहले बैत को अहले बैत को बराबर कर दिया कुरान से निकाह अहले बैत को मैं छोड़ गया कुरान अहले बैत इसे मजबूरी से पकड़ लेना तो ये तो बराबर हो गया अहले बैत के बगैर कुछ नहीं है हाँ और कोई पहचान मांगा ये क्या वो दलील दलील मांगते दलील तो शैतान ने बहुत मांगी थी दलील का मसला नहीं है यहाँ मसला है अकीन का साथ साथ अपने आप को ठीक करे हाँ
आप खुद भी बोल रहे हैं, अगर आप हमारी जबान अल्लाह ताला ने आप अमला के हो गए तभी असर पड़ेगा दूसरे पर, खुद को पहले कैसे होगा मालूम कैसे हो? सबसे पहले गीबत से बचना होगा, असर जब भी होगी हमें गीबत से बचना होगा। राम भाई कश्मीर से बहुत चली बात कर, हां राम भाई हमें सबसे पहले गीबत से बचना होगा, मैं पूछ रहा हूं से बचना होगा। हां जी कभी होगी जुबान का चीज, माँ का अदब करना होगा, बड़ों का एहतराम करना होगा, हर बोल लफ्ज अदा करना होगा जिसके लिए नबी जो बड़ा पुल जो है 9 तारीख को 9 मई को है 11 बजे दुआ कबूल जब भी होगी, 9 मई को भी अमल होगा हमारा। मंगल इनका जलाल तुमने अभी देखा नहीं, इनका जलाल हमने देखा जलाल। अच्छा एक और सुनो, ऐसा हुआ तो भाई मैं तुम्हारा नाम क्या बेटा? गुलाम। नहीं आपने नाम की पूछी जाओ गुलाम, तो देखिए एक बार सुनो, आपको गुलाम गुलाम बनना चाहिए। गुलाम थे हजरत बिलाल कुरैशी भाई, उन्होंने कहा मैं गुलाम हूँ जी, गुलाम खेल नहीं है, गुलाम लफ्ज अदा करना बड़ी बात है। वो जगह हम तो आशिक हैं, आशिक होगा आशिक बेटे बन जाएगी, हमने हर चीज़ देखा भैया।